This child was born in a war zone, clinging on to life. For you, helping him makes a difference in the world. For this delicate child, it could be the difference between life and death. To donate, please call Islamic Relief now or visit us online. Every second counts. हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इससे पहले के हमारे एंकर जनाब जुनैद साहब शो शुरू करें, मैं थोड़ी सी वजाहत चाहता हूं, चूंकि आपकी तरफ से आप जैसे ही हमारे एक प्यारे व्यूअर ने इंग्लैंड से मुझे एक SMS करके तो परेशान किया हुआ। मैं यार अपनी परेशानी पहले खत्म कर लूं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप भी यार इस परेशानी में मेरा साथ दें। अपना भाजन है साहब, ये एक शो में पिछले दिनों आपने जिक्र किया झांसी की रानी का। लंदन से एक बच्चे ने मुझे SMS किया है, सईद उस बच्चे का नाम था। उसने कहा कि भाई जी बात सुनो, आपने ये जो झांसी की रानी है उसको एक हीरो के तौर पे पेंट किया है, हीरोइन कह लो चलो, मगर हमने तो ये पढ़ा हुआ कि ये एक अजीब सी और अच्छी बड़ी लड़ाका सी और ये वो, और ये जो झांसी की रानी है ये बदमनी और दहशत की अलामत थी। उस बच्चे ने सईद ने कहा कि अंकल ये देखे तारीख को मसख करके ना सुनाया करें। ये जैसे हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं जी कि ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की 65 की जंग हुई थी, ये जंग पाकिस्तान जीत गया था हालांकि पाकिस्तान हार गया था। फिर कहते हैं जी दूसरी उस बात में हम बात गलत जो कहते हैं, हम कहते हैं जी कि इंडिया ने पहले हमला किया था, जबकि वो इंडिया वाले ये तारीख पढ़ाते हैं जी कि पाकिस्तान ने पहले पंगा लिया था इसलिए ये जंग हुई थी। तो वो कहता है कि ये आप रिसर्च करके तारीख पे तो फिर पेश किया करें, हमें डबल माइंडेड ना किया करें, हमारे ज़हनों को उलझाए ना, आपकी मेहरबानी। सीधी सीधी बात है, तारीख के हमेशा दो रुख हुआ करते हैं, खास तौर पे जब आप स्कूलों के बच्चों को तारीख पढ़ाते हैं। ये सिर्फ सईद साहब का अलमिया नहीं है, हमारे यहाँ भी ऐसे दानिश्वरों की कोई कमी नहीं है जो ये कहते हैं कि हम अपने तालिबे इल्मों को गलत तारीख पढ़ा रहे हैं। अच्छा। और तारीख की जो हकीकतें हैं उनसे दूर लेके जा रहे हैं, और हम जो अपने जिन शख्सियात को हीरोज़ के तौर पर बच्चों से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो हीरोज़ नहीं है, वो दरअसल विलन है। वो बड़े बदमाश किस्म के लोग थे, बड़े जालिम थे, गासिब थे, और उनको इसी रूप में पेश किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों की हमारे यहाँ भी कमी नहीं है। सही। लेकिन बात यह है कि जब भी आप बच्चों को तारीख पढ़ाते हैं, खास तौर पर मैं बच्चों को तारीख पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, बच्चों को जब तारीख पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको हीरो वर्शिप की तरफ लेके आते हैं। ये फितरत होती है हर कौम में, सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान या बरतानिया की बात नहीं है, कोई भी तुम कौम उठा के देख लो। अच्छा, अमरीका में क्या, अमरीका में जो निसाब तालीम है वहां पर बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि उन्होंने रेड इंडियंस के साथ क्या किया था? नहीं। अमरीकी निसाब तालीम में अमरीकियों को यह बताया जाता है कि वियतनाम में उन्हें किस कदर बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था, बताओ। तो आपका मतलब है फिर दो तरीकें छापनी चाहिए, एक बड़ों के पढ़ने के लिए, एक बच्चों के पढ़ने बच्चे के लिए। नहीं नहीं, बात यह है कि जू ही तालिब इल्म यानी मनाजिल तय करता है तरक्की की, मजीद वो खुद रिसर्च करता है, उसके सामने कई नई चीजें, नए हकायक जो होते हैं वो सामने आते हैं, उससे वो खुद फिर नतीजा अखज़ करता है। लेकिन बचपन में तारीख पढ़ाना यानी बच्चों को उनको हीरोज़ देना, हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है और बाकायदा तस्दीक का निशाना बनाया जाता है। और फलाश कोई भी कोई गैरत और हमीयत की बात करे तो ये कहता है ओ जी ये जो नसीम अजाज़ी के नावल पढ़ने वाली कौम है। मैं ये समझता हूँ कि नसीम अजाज़ी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा एहसान है पाकिस्तान की कौम पर कि उसने, नसीम अजाज़ी ने सही मायनों में कौम के सामने उसके हीरोज रखे हैं जो हीरोज होने चाहिए हमारे, उनके बारे में कीड़े निकालना। अब इन लोगों की ख्वाहिश ये है कि हम बच्चों को मैट्रिक से पहले पहले ही जो अपनी तारीख के गंदे पोतड़े हैं वो सरेआम धोना शुरू कर दें। यानी उनकी कतई तौर पर यह ख्वाहिश नहीं है कि हम तारीख के दरीचों से जो रोशन दिए हैं वो बच्चों के सामने रखें, उनकी ये ख्वाहिश नहीं है। पूरी दुनिया में हालांकि ऐसा ही होता है,
लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि नहीं, हम अपने बच्चों को बचपन में बता दें कि हम एक नाकाम कौम के फर्द हैं और तरक्की का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं। मतलब गलत कौम में हम पैदा हो गए हुए हैं, हम लोग जो है वो तरक्की कर ही नहीं सकते, ना ही इधर खुशहाली आनी है, चूंकि ये लोग ही बड़े गंदे हैं, इसलिए शुरू से ही बचपन से ही लोग ये सोचना शुरू कर दे हमारी अगली नस्ल के जी बस बड़े होना है और अमेरिका का या बर्तानिया का वीजा लगा के तो यहाँ से दौड़ जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा तुम्हें पता 2008 में एक अमरीकी मुसन्निफ है जेम्स लॉयन, उसने एक किताब लिखी थी लाइज माई टीचर्स टोल्ड मी, वो झूठ जो मेरे असातिज़ा ने मुझे बताए हैं, और ये बेस्ट सेलर किताब थी, लाखों की तादाद में किताब फरोख्त हुई थी। उसमें जेम्स लोयन ने उन 12 तारीखी हकायक का जिक्र किया था जो उसके मुताबिक बचपन में उसे पढ़ाए गए थे, लेकिन ये तमाम वो हकायक थे जो हकीकत से दूर दूर तक रत्ती बराबर भी लगा नहीं खाते थे। वैसे उसने कहा कि सबसे पहली बात तो यह कि मुझे ये पढ़ाया ही नहीं गया कि अमरीका ने जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम फेंक कर इंसानियत पर कितना बड़ा जुल्म किया था, बल्कि मुझे ये पढ़ाया जाता रहा था कि वो जंग खत्म करने का वाहिद तरीका ये था कि वहां पर एटम बम फेंक दिया जाए। ओ, फिटे मु, फिटे मु। मेरा मतलब है कि ये जो जर्मनी वाले हैं ये भी कभी नहीं अपने बच्चों को कहेंगे कि हिटलर ने कितने कितने जुल्म ढाए हुए। तो बर्तानिया की मिसाल ले लो, बर्तानवी बच्चों को ये पढ़ाया जाए होगा, बल्कि बर्तानवी बच्चे क्या वहां के यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों को भी यह पढ़ाया जाता होगा तारीख में कि हमने साम्राज्य दौर में बर्तानिया ने जब उसकी हुकूमत पाकिस्तान हिंदुस्तान से लेकर बर्मा तक कायम थी तो उसने किस तरह इस सरजमीन पर कब्जा किया, किस किस तरह फ्रॉड किया, किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी तजारत के लिबादे में आई और यहाँ की मालक बन बैठी थी, किस तरह उन्होंने यहाँ पर मीर जाफर मीर सादिक पैदा किए, ये तो कभी नहीं बताया जाता। किस तरह उन्होंने यहाँ के वसाइल को भंभोड़ा था, ये बताया जाता है कि हमने यहाँ पर बेपना तरक्याती काम करवाए, हमने इतने मील लंबी यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई। लेकिन रेलवे लाइन क्यों बिछाई, इसलिए बिछाई थी कि यहाँ के वसाइल को इकट्ठा करके वापस इंग्लिस्तान ले जाया जा सके, ये नहीं बताया जाता। तारीख तो इसी तरह सिखाई जाती है बच्चों को, तारीख बताने का एक मकसद होता है। किसी यूरोपीय मुल्क को उठा के देख लो, कभी वो ये नहीं बताएंगे कि हमने यहां पर कितने 100 साल तक स्याफाम बशिंदों के साथ किस किस कदर भयानक मजालम रवा रखे थे। किसी यूरोपीय मुल्क की तारीख उठा के देख लो, वहां पर बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाता होगा। ये बर्तानिया ने इधर रेलवे लाइन बिछाई इसीलिए थी, मुझे भी एक बुजुर्ग ने बताया था कि इसलिए रेलवे लाइन बिछाई थी कि इधर से सारे वसाइल लुट लुट के वो अपनी तरफ ले गए थे उसी रेलवे लाइन के जरिए। ये हमें नहीं बलौर साहब बदला ले रहे रेलवे से, ये असल में अंग्रेज से बदला ले रहे हैं। अच्छा, जी जी। और हमें हम पर ये अपनी मर्जी थोपी जाती है कि जनाब हम अपने प्राइमरी स्कूल के बच्चे को ये बताना शुरू कर दें कि औरंगजेब आलमगीर जो था वो एक गासिब शख्स था, महमूद गजनवी एक जालिम आदमी था, और टीपू सुल्तान के किरदार में से कीड़े निकालने शुरू कर दें, ये हम पर फर्ज है। पूरी दुनिया जो है वो सच्चाई का मंबा बनी हुई है और सिर्फ हम अपने बच्चों को गलत तारीख पढ़ा रहे हैं। और यार हमारे यहाँ तो नई नस्ल में इस कदर उलझन पैदा कर रहे हैं, इतना उसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि भाई जी ये जो करारदाद पाकिस्तान थी वो 23 मार्च को पेश हुई थी, मंजूर 24 मार्च को हुई थी। लो आप लोग 23 मार्च क्यों मनाते हैं? फिर उधर से कहना शुरू हो जाते हैं जी कि आप लोग भी इंडिया के साथ ही 15 अगस्त को यौम आजादी क्यों नहीं मनाते? भाई क्या तकलीफ है आपको? अगर हम 14 अगस्त को मना रहे हैं तो जाने दे खुदा के वास्ते, 15 अगस्त को आपको दर्जी ने सूट नहीं दिया होता इसलिए आप कह रहे हैं कि 15 को मनाया जी, 14 को मेरा सूट नहीं मिला। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस पे बहस नहीं करनी चाहिए। कोई भी आदमी जो है वो एक कौम का हीरो होता है तो दूसरी कौम का विलन होता है। वो बड़ी मशहूर मिसाल है यार पानी के गिलास की, आधा गिलास पानी जो होता है वो एक शख्स के लिए आधा गिलास खाली होता है, दूसरे के लिए आधा गिलास भरा होता है। बिल्कुल। नाज़रीन यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि जानते हैं कौम परेशान है, सितंबर में लोड शेडिंग से रिलीफ मिल जाएगा। ओ, नहीं, नहीं 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 राजा साहब, ये क्या पढ़ दिया है? और सरकार कोई ऐसी बात नहीं है, आई क्या है गलती से सितंबर में? कोई परेशानी नहीं है जी, आपको किसी ने गलत बताया कि कौम परेशान है? यार ये एजेंसियां गलत रिपोर्टें दे रही हैं राजा साहब को। ये देखो जब
हुकूमत को इन्होंने एजेंसियों ने ढाना होता है ना, तो इस तरह की गलत गलत रिपोर्टें फिर वजीरे आजम तक पहुंचाती। कब परेशान है यार कौम, राजा साहब कौम तो इतनी खुश है, जिंदगी बदल के रख दी है आपने तो कौम की, ईमान से फैमिली सिस्टम दोबारा वापस ले आए, जो फैमिलियां बिखर गई हुई थी, जो हफ्तों एक दूसरे से नहीं थे मिलते, वो आज सारा खानदान एक मोमबत्ती तले इकट्ठा बैठा हुआ। वालदेन से बच्चे दूर हो गए हुए थे, अब वालदेन की आंखों के सामने बच्चे बड़े हो रहे हैं। पहले तो बच्चों ने कपड़े पहने होते थे, बिचोबेच ही बड़े हो जाते थे, पता ही नहीं था चलता। जब डॉक्टर से दवाई लेने जाते थे, डॉक्टर कद नापता तो बताता था 2 इंच बच्चा बड़ा हो गया। अब ना बच्चों के पिंडों के ऊपर कपड़े हैं, नंगे बच्चे घर में बैठे हुए आंखों के सामने बड़े हो रहे हैं, थोड़ा जहा बड़ा होया। फिर बच्चों को कोई चोट शोट लग जाती थी तो पता ही नहीं था चलता। अब सारा बच्चा नंगा बैठा होता है, पता चलता है बच्चे का गोडा छिल्ला हुआ है, मोड़े पे फोड़ा निकला हुआ है, कंड पे पित्त निकली, आंखों के सामने है यार बच्चे। अब वैसे भी राजा साहब दोबारा हमारी रूटीन ना बदलिएगा, अब तो रूटीन सेट हो गई हुई है, 24 घंटे में मुश्किल से 1-2 घंटे सोती है कौम, फर्स्ट क्लास सेट हो गए हुए, वेरी गुड, अब ना इनको छेड़ेगा, आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब, आपको किसी ने गलत बता दिया कि कौम परेशान है, कौम तो बहुत खुशहाल है। रो क्यों रहे हो यार, किसी ने उनको गलत रिपोर्ट दे दिया कि कौम परेशान है, अब राजा साहब ने रिलीफ देने का वादा कर लिया। अब तुम्हें पता है जब कौम को रिलीफ देने का राजा साहब वादा करते हैं तो क्या होता है। वफाकी वजीर अमीम फहीम को बिजनेस क्लास में निशिस्त ना देने पर PIE के GM को ओहदे से फारिग कर दिया गया, हालांकि इस तैयारे में बिजनेस क्लास थी ही नहीं। ये क्या आखिर पे क्या तुमने बात कर दी है, क्यों नहीं थी बिजनेस क्लास की तैयारी में, होते वो पायलट को कम मौत पड़ती थी तैयारी में, बिजनेस क्लास बनाते हुए कितनी देर लगती है, पायलट ने बनानी थी बिजनेस क्लास, यार 5-6 लाइनें छोड़ के तो आगे पर्दा टांग देते, जिस एयर होस्टेस ने सबसे ज्यादा लाल सुर्ख सुर्खी लगाई हुई है उसको उधर छोड़ देते, चलो भाई तुम इधर फिरती रहो। आखिर वफाकी वजीर आए हुए हैं मखदूम अमीन फहीम, उनको तुम बाकी आम लोगों में बिठा दो यार, बाजीबा किस लिए वो वफाकी वजीर बने हुए हैं, अगर उनको बादाम वाली खजूर भी नहीं मिलनी रोदा घुड़ते हुए, इतना सही जरा फर्क होता है, बंदा फटाफट उस वक्त बना देते हैं, 3-4 खजूरें पकड़ के उसमें गिटके निकाल के बना बादाम की गिरी रख के ऊपर एक टूथपिक लगा के दे दे, लो जी लो जी। एक वजीर का इस्तेहकाक बनता है यार, वो पायलट इतना ही लाडला, अब खुद कॉकपिट में बैठा हुआ है, चलो कॉकपिट को ही ए क्लास बना लेता, तो और क्या, उसको ही कह देता कि जी इधर कॉकपिट में आ जाए, यही क्लब क्लास है। खुद इधर में हेडफोन लगा के तैयारा उड़ाता फिर दबा करे तैयारे को, तैयारा आप उड़ता रहे, पहले जाके वजीर को तो सांभो, वजीर महंगा या तुम्हारा तैयारा महंगा, वजीर को लाके कहता कि मखदूम साहब आए जनाब मेरी सीट पर तशरीफ रखे, इधर बैठे जनाब, मैं इधर खड़े होके तैयार डाल लेता हूँ, कोई ऐसी बात ये दिया केड़ियां पैर च ब्रेकां ने जेड़ा बैग चलाना जरूरी है, नाले तैयार उड़ाना को मज चोनी है जो बैठना जरूरी है, बैठे आप बैठे कोई बात नहीं, ये गलत किया पायलट ने, इसको सजा मिलनी चाहिए, किसको सजा मिली है, GM PIE को, तो पहले बताओ मैंने सारी 8वें पायलट पे कर दी, मुझे बद्दुआएं दे रहा होगा मैं, चलो GM को भी जरूरी था वैसे निकालना, बहुत अच्छा किया, खुद नीचे आराम से दफ्तर में बैठा हुआ, ऊपर इतनी ऊंचाई में वफाकी वजीर खजल हो रहे हैं और GM नीचे कुर्सियां डाल के बैठे हुए हैं, वाह जी वाह, बाहर निकल के इसको तैयारा देखते हुए क्या तकलीफ थी, जाके देखता के तैयारे में क्लब क्लास है कि नहीं, हद हो गई है, कोई आम चीज होती है वफाकी वजीर, ऐसी आम चीज ही होती है यार कि नेड़े तो बन गए। इस्तेमाल शुदा गन्ने से 1500 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे सेक्रेटरी पानी और बिजली जफर महमूद। चलो ये कोई नई दर बनती है 1500 मेगावाट, रोज कोई ना कोई तैयार करता है बिजली, अब सेक्रेटरी साहब ने 1500 मेगावाट कर ली है ना, किसी दिन वजीर साहब कह देते हैं कि इतने 1000 मेगावाट बिजली कोयले से बन जाएगी, कभी कोई कह देता कि भाई जी इतने 1000 मेगावाट बिजली पानी से बन जाएगी, बिल्कुल इतने 1000 मेगावाट बिजली कूड़े क्रिकेट से बन जाएगी, आज इन्होंने किस चीज से बनाई है जी, गन्ने, लो आप सुनाओ
अब ये सारी बिजली ये जो मुंह जबानी बना रहे हैं ये इकट्ठी करें तो रखेंगे कहाँ? जाने दो सेक्रेटरी साहब, खुदा के वास्ते स्टोर छोटे हैं और बिजली ज्यादा बन रही है। आपने इस बात में है खुदा के वास्ते, आपने भी शोशा छोड़ दिया। और ये तो सारे जनाब सियासतदान हैं, इन्होंने तो वोट लेने होते हैं इसलिए ये बयान दे रहे हैं इस तरह के। आप सरकारी मुलाजिम है, आप क्यों इस कोतखाने में पड़ रहे हैं? चुप करके अपनी नौकरी करें, तनहा आपकी लगी हुई है, पेंशन बाद में मिलती रहनी है, इनको करने दे इस तरह की बातें। आप भी बीच में कह रहे हैं जी गन्ने से बनेगी बिजली, बाद में फिर महीने बाद जो आपको बयान देना पड़ेगा, भाई जी लोगों ने गंडेरियां खानी छोड़ दी है इसलिए बिजली नहीं बन सकती। या फिर ये बयान देंगे जी बिजली बनाई थी जी गन्ने के साथ, वो बल्ब चलाते थे तो बल्ब मक्खियों से पार गया था इसलिए अब नहीं बना रहे। या फिर कहेंगे जी बिजली हमने गन्ने से बना दी थी, बुजुर्गों ने इत्तेजाज किया है, शुगर के मरीजों ने, उन्होंने कहा जी हमारे कमरे में ये बल्ब ना जलाओ, मैं पहले ही शुगर ज्यादा हुई है। क्या कहेंगे जी बिजली बन रही है मगर आवाम को इसलिए नहीं मिल रही कि वो गन्ने की बनी हुई सारी बिजली यरकान के मरीजों के कमरों में जल रही है। डॉक्टरों ने कहा है जी आपको यरकान है, आप गन्ने वाली बिजली इस्तेमाल करें। सेक्रेटरी साहब क्यों यरकान रहे हो? आईजी पंजाब ने कहा है कि डीपीओ सहरी और इफ्तारी में हवालातियों के लिए बाकायदा इंतजाम करें। जब जी आईजी साहब ओ सरकार को पैरिस का चक्कर लायो, खुदा दा वास्ता जे रोज नवा आर्डरी कर दियो तुसी, कदी ढिड घटान दे हो, कदी पीलियां वर्दियां पाउन दे हो, कदी सिर ते बत्तियां लवाउन दे हो, हुण कदी इफ्तारी कराओ की बन गई है तुहानू? ओ पुलिस नु केड़े काम च पान दे हो? खुदा दा नाम जी थाने को मस्जिद नहीं जिते इफ्तारी कोल दी है। तरीख चुक के देखो खुदा दा वास्ता जे, तरीख चुक के देखो, हवालाती हमेशा पुलिस वाले वास्ते इफ्तारी सहरी लियांदे रहे ने, उल्टा साड़ी ड्यूटी लाने हो, इन्होंने उफतारी की सहरी करी की बन गई है तुहानू? खुदा दा नाम जी जानदे हो, गुस्सा जानदे हो, हुण डीपीओ साहिबान नू कहंदे हो सहरी उफतारी दा, उहना सानू ऐसे चोर नू कहना हुंदा है? खुदा दा वास्ता जी कित्थों इन्हां नू उफतारी करा दईए? किन्ने करनी जे साडे समान की उफतारी? हवालाती ने कहना चुको समोसे, खुदा दा नाम जी पहले रेहड़ी तो चुके जी, हुण साडे घर आते चुक लो, इत्थों वी तुहाडी मेहरबानी। कौन रेहड़ियां तो दुकानां तो चुके समोसे पकौड़े खाएगा मैनूं दस्सो तुसीं? खुदा दा नाम जी किहड़ा सुआब खट्टण रहे हो? ओ हवाला दी उहनूं सहरी इफ्तारी करावांगे सुआब हो जाएगा, चलो ठीक है, ओ जित्थों समान चुक के लियावांगे रेहड़ियां दुकानां तो उहनां दीआं वाधूआं नाल सुआब बैलेंस हो जाणा, फायदा की होएगा मैनूं दस्सो तुसीं? ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੰਦਰ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਜਵਾਹਰ ਵਸੀਮ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਐਸ ਐਚ ਓ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਵੀਆਂ ਵੀ ਪੜਾਏਗਾ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਵਕਤਾ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਰਹੀਏਗਾ। जनैद एक बात मेरी जेन में बड़ी तजबजब पैदा करती है, तजबजब होता है, बड़ी अजीब सी कैफियत पैदा कर देती है, मत तजबजब कहते हैं। ये जब ईद नजदीक आती है तो दर्जियों की दुकानों के ऊपर रश लगा होता है, सारा झाल बेचारे वेले बैठे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं बैठ के। ये जो 10-12 दिन होते हैं वो बेचारे दिन रात दुकान खुली रखते हैं, सिर खुरकने को उनको बेल नहीं मिलती। अगर कोई 10-15 दिन के अंदर अंदर को बंदा सूट लेके चला जाए सलवाने के लिए, वो पड़ जाते हैं नीचे, उतरो दौड़ जाओ, कोई नहीं, नाचो नाचो, बड़े हट जाओ, खबरदार मैंने बुलाया है। ये 10 दिन के अंदर ये सारा क्या होता है? आजकल तो उनके पास एक बहुत मकबूल जवाब मौजूद है ना, वो जितना मर्जी लेट कर दें कहते हैं जी बिजली नहीं है, मैं क्या करूं? Exactly. ये तो है, हर कारीगर बहाना लगा रहा है, और क्या ही बहाना भी है, वो बेचारे गलत भी नहीं कहते। मगर मेरा पॉइंट ये है कि हम सारे लोग जो हैं पाकिस्तानी खास तौर पे, हम एंड टाइम के ऊपर ही क्यों काम करना चाहते हैं? जो ईद के पहले 5-10 दिन होते हैं उसी में सारा पाकिस्तान क्यों सूट सिलवाना चाहता है? सारा साल या 2-3 महीने पहले क्यों नहीं हम ये काम स्टार्ट कर लेते? ईद के सूट तक की बात नहीं है, वैसे ही देख लो हमारा कौमी मिजाज है, हर मामला हर काम जो है कल पर डालना है हमारे, बिल्कुल हमने ये सोच लिया है कि कोई काम भी वक्त से पहले नहीं करना। बिजली का, सुई गैस का, घर में बिल, यूटिलिटी आए होते हैं, जिस दिन बेगम ये कहती है ना आखिरी तारीख है उस वक्त हम बैंक जाते हैं, उससे पहले वो पड़ा रहता है, खजल हो रहा होता है कभी उधर कभी उधर, कोई नहीं। अच्छा, बहुत से लोग तो बेचारे बहरहाल माली मजबूरियों की वजह से भी
उस आखिरी तारीख का इंतजार करते होंगे, लेकिन अक्सरियत जो है वो सिर्फ सुस्ती और कायली या इसी ये जो जिस कौमी मिजाज की हम बात कर रहे हैं कि हमने आखिरी तारीख, आखिरी दिन, आखिरी घंटा, बल्कि आखिरी मिनट तक का इंतजार करना होता है कि इसको और मैं कितना डिले कर सकता। हमारी ये आदत तो यार कि सड़कों पर भी हमें नजर आती है, जब पेट्रोल खत्म हो जाता है फिर हम मोटरसाइकिल अल्टा के जाते हैं पेट्रोल पंप पे। वो को पैसे की कमी की वजह नहीं होती, नहीं आल कर पैसे भी जेब में होते हैं, डलवा लेंगे यार, खैर है अभी चल ही रही है ना, डलवा लेंगे पेट्रोल का क्या। जब बंद हो जाती है फिर अल्टा के उसके कान में बात करके फिर उसको लेके जाते हैं पेट्रोल पंप पे। पहले कहा करते थे ना बुजुर्ग, आज का काम कल पे मत डालो, अब कहते हैं जी आज का काम कल पे डाल दो, शायद पेट्रोल सस्ता हो जाए। हमारी मेरा ख्याल है इसी आदत की वजह से हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ना, अंग्रेज बहुत तेज है, उसको 10 साल पहले पता चल जाता है मेरे सिर में जूती बजने वाली। फ्रांसीसी जो है वो इरा काटते ही है, उसको जब जूती बजती है तो वो एक्शन लेता है कि किसी ने जूती मारी है। और हमारे इस खत्ते के मुतलक बुजुर्ग कहा करते हैं कि इधर के लोग जो है उनको जब जूती बाज जाए तो वो 10 साल बाद पता करते हैं कि यार ये मैं तो जूती बजी थी, किसी ने मारी थी। रोजा में ये रवैया बहुत देखने में आता है। आप सहर अफ्तार के वक्त खरीदारी के लिए जाते हैं, बिल्कुल हम अपना फर्ज समझते हैं कि हमने आखिरी मिनट में घर से निकलना है और 5 मिनट के अंदर अंदर सहर अफ्तार से पहले फलां चीज खरीद के लानी है। तो यही खरीदारी आप आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले भी कर सकते हैं। है। नमाजों में तरावी के वक्त हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम मस्जिद में दाखिल होने वाले आखिरी नमाजी हों। हाँ, बस जब अल्लाह अकबर कह दे इमाम तो फिर हम जाके साथ ही डाल जाए, जाते ही हमें ऐसे ही करना पड़े, खड़ा ना होना पड़े या बैठना ना पड़े। अजीज साहब, आप ईद की शॉपिंग देख लेना, लास्ट मिनट पे हर बंदे की कोशिश होती है कि चांद रात को जाकर मेहंदी भी लगवानी है, दुपट्टे भी डाई करवाने हैं, मैचिंग की सारी चीजें भी लेकर आनी है। ये नहीं करते कि रोजा रमजान शुरू हुआ है तो आप रमजान शुरू होने से पहले शॉपिंग कर लें, या चले अगर 10 दिन का भी गैप है तो आप तब कर लें। नहीं जी नहीं, वो क्या कहते हैं बुए आई जंज ते विनो कुड़ी दे का। Exactly. ये तुम देख लेना ईद के अब 1-2 दिन पहले जो दूसरे शहरों से लाहौर में या किसी भी शहर में काम करने के लिए, नौकरी के लिए लोग गए होते हैं लाखों की तादाद, वो चांद रात को फिर सारे अपने अपने शहरों को वापस जाते हैं या 1 दिन पहले, उस वक्त देखना तुम हर रड्डे के ऊपर पूरा दंगल हो रहा होगा। अच्छे भले पढ़े लिखे बंदे भी जो हम तड़ाताड़े एक दूसरे की टाइयां खींच रहे होंगे टिकट लेने के लिए या सीट लेने के लिए, जबकि हर जगह हर बस अड्डे पे हर रेलवे स्टेशन पे एडवांस बुकिंग भी होती है। बिल्कुल, कोई इतना नहीं करता कि 5-7-10 दिन पहले जाके अपने शहर की टिकट ले ले ईद वाले दिन की या ईद से 1 दिन पहले की, ना उसी दिन झगड़ा होना है, उसी दिन दंगल होना है, लड़के बस की खिड़की की तरफ से जंप मार के सीट पे बिल्कुल सही, सीधे रास्ते से नहीं बैठना, सुकून से नहीं जाना शहर अपने। बिल्कुल, ये जिस तरह कल पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में पाकिस्तान ने अखीर पे जाके गोल किया, यार ये गोल तुम लोग पहले हाफ में कर लो तो शायद तुम्हारा हौसला बढ़ जाए तो 2-3 और गोल हो जाए। उन्होंने जब 4 गोल कर दिए थक गए तो अखीर पे एक गोल कर दी। अजीज साहब, अपने स्टूडेंट्स को देख लें आप, कि पूरे साल का सिलेबस उनकी कोशिश होती है कि जो एग्जाम से पहले आखिरी 1 हफ्ता है उसमें कवर कर लें किसी तरह। ये तो तुम इमेच्योर लोगों की बात कर रही हो, मैच्योर बुजुर्ग बंदे यार, शहरी में जब कुगू बजना शुरू हो जाता तो गरम गरम चाप पिर्च में डाल डाल कर ऊपर से कई बुजुर्गों के बीच में दांत नहीं होते, अधी चादर कर रही होती है, अधी नीचे गिर रही होती है, यार को 15 मिनट पहले चाय पी लो सबर के साथ बताने के बाद। ये तुम देख लो, सबको पता है कि लाइट जानी है, ऐसे ही पता है जैसे सबको पता है कि सूरज मशरक से निकलता है, इसी तरह हर बंदे को पता है कि हर घंटे बाद लाइट जानी है। भाई तुम मोमबत्ती और माचिस पहले ही ढूंढ के रख लो, नहीं बत्ती जाएगी, हनेरा हो जाएगा, ठुड्डा बजेगा, बच्चे के ऊपर चाचा गिरेगा, बच्चे के नीचे से चीख निकलेगी, फिर फाड़ लो बच्चो इधर उधर करके, फिर मोमबत्ती को हाथ पड़ जाएगा, फिर वो जवान रौला डालेगा, लभ गई है लभ गई है लभ गई है, अच्छा लभ गई थी, आजा फिर मैनू माचिस भी लभ गई है, फिर वो कॉम्बिनेशन बनता है माचिस और मोमबत्ती का तो लाइट जल गई। इसे कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बरसा।
जी वक्त होता है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हाजिर होते हैं चलने में बाद। सर बैतबाजी शुरू करने से पहले मारूफ शायर शहजाद अहमद शहजाद, जिनका 3 दिन पहले इंतकाल हुआ है, मैं उनके 2 अशआर पेश करना चाह रही हूँ। शहजाद अहमद साहब बड़ी प्यारी तबीयत के नफीस आदमी थे, मेरी उनसे मुलाकात रही है। शायर तो वो थे ही, बड़े कमाल इंसान, बड़े अच्छे थे, बड़े प्यारे आदमी थे। जी इरशाद जी, शहजाद साहब का शेर पेश करें। शुक्रिया इजी साहब। मैं के खुश होता था दरिया की रवानी देख कर, कांप उठा हूँ गली कूचों में पानी देख कर। एक लम्हे में कटा है मुद्दतों का फासला, एक लम्हे में कटा है मुद्दतों का फासला, मैं अभी आया हूँ तस्वीरें पुरानी देखकर। आहा, एक लम्हे में कटा है मुद्दतों का फासला, मैं अभी आया हूँ तस्वीरें पुरानी देखकर। वाजी वाह। अच्छा सरकार तैयार हो जाए, बैतबाजी का आगाज मैं भी शहजाद साहब के शेर से कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, तैयार हो जाए। ऐसे नहीं तैयार होना, सर पे जरा टकोर शकोर कर लो। क्यों जी, को रोड़े पे लपेट के मारना है। अच्छा शहजाद साहब का जो पहला शेर है वो आजकल जो पाक अमेरिका ताल्लुकात हैं इसके तनाजुर में भी देखा जा सकता है, और हमारी जो रूलिंग एलीट है, हमारे जो सियासतदान हैं, उनके रवैये पर भी मुंतबिक होता है। शहजाद साहब लिखते हैं, किसी सूरत मुसाफत में कमी होने नहीं देते, किसी सूरत मुसाफत में कमी होने नहीं देते, शजर बेदर्द हैं छाऊं घनी होने नहीं देते। ब्यूटीफुल। वो रोज़ो शब हमें एजाज पे एजाज देते हैं, वो रोज़ो शब हमें एजाज पे एजाज देते हैं, मगर एहसास जिल्लत में कमी होने नहीं देते। कमी होने नहीं देते। अजीज साहब आपकी फेवरेट ये जाहिर है जी, ये किसी भी शेर में ये की कमी होने नहीं देते, अगरचे जीत इनकी बस हम ही होने नहीं। गुड वन। लेकिन अजीज साहब ये से शुरू नहीं होता। चले ये से बना लेते हैं, हमने कौन सा किसी मिस्त्री से शेर बनवाने जाना है, खुद ही गढ़ना है। हाँ गढ़ना क्या मतलब, मैं शेरों का जीरा मिस्त्री हूँ। हाँ, ये जो रक्षों के पीछे नहीं लिखा होता उस्ताद जीरा मिस्त्री, वो मेरे मतलब ही लिखा होता। इसी शेर को ये से कर लेते हैं, ये हर एक शेर में ये की कमी होने नहीं देता, बिना ये के कोई मिसरा कभी होने नहीं देता, कभी होने नहीं देता। अलिफ सर। अलिफ। उसकी जुदाई खा गई घुन की तरह हमें, उसकी जुदाई खा गई घुन की तरह हमें, हम सख्त जहां पहले तो यूं खोखले न थे। अजीज साहब थे फिर ये जी। ये लो नुस्खा, डॉक्टर बोला दूध के साथ ही ले लेना, नहीं पसंद दूध तुम्हें तो पानी से ले सकते हो। ये क्या जी साहब, वो खानी तो दवाई है ना, कोई बात नहीं, शेर पूरा हो ना, वो दवाई तो खा ली ना, बंदे ले सकते हो। वाओ वाओ। वो आज भी सदियों की मुसाफत पे खड़ा है, वो आज भी सदियों की मुसाफत पे खड़ा है, ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिरा के फिर ये तेरी मेहरबानी छोड़ दे पीछा मेरा, कुंडी ना खड़का सोने सीधा ही अंदर आ। ये कौन सा शेर है जी साहब? तुम शेर को छोड़ो, मेरी म्याना रवि देखो कि मैं ये नहीं आने देता। सर अलिफ। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे। ये तो इसने चीटिंग की है। क्यों? इको मिसरे की पहले ए साइड सुना दी है, फिर उसी मिसरे की बी साइड सुना दी। इस तरह तो मैं भी कई शेर उल्टे सीधे करके सुना सकता हूँ। बहरहाल अजीज साहब फिर ये आया है। यार फिर ये आ गए, यार तुम्हारा शायर ये कहाँ रहता है जिसके हर शेर के अखीर पे ये आता है। ये ये लोग क्लार्क अलार्म लगा दो 3 बजे की सहरी का, 3 बजे की सहरी का अलार्म लगा दो ये लोग क्लार्क। ये आप वाले शेर पर किस बात का गम है, मैंने भी क्लार्क उठा करके वापस बोला दिया। यार प्लीज थोड़ी सी तो संजीदगी रहने दो ना यार, तो तुम भी रहने दो ना दिया तुमने बैतबाजी को। नहीं नहीं ये क्या बात है। बहरहाल अगर आपकी लड़ाई खत्म हो गई तो आपने काफ से शेर सुनाना है। काफ से, अच्छा काफ से बड़ा खूबसूरत शेर ज़हन में आ रहा है।
काटी कहीं पे रात तो काटी शहर कहीं। शेर सुनाओ, तुम तो अपनी खजल खराबी सुना रहे हो। सुनो तो सही। काटी कहीं पे रात तो काटी शहर कहीं, राहे वफा में चैन ना पाया मगर कहीं। वो सुन रहे हैं यूं मेरा अफसाना हयात, वो सुन रहे हैं यूं मेरा अफसाना हयात, दिल है कहीं ख्याल कहीं और नजर कहीं। कहीं दिल है कहीं ख्याल कहीं और नजर कहीं। नहीं तेरा निशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। रे अच्छा हजूर, चट्टानों पर नहीं है, चट्टानों में है। और बैतबाजी के हवाले से ये बहुत पुरानी बहस है यार। शहीन मेरा अपना है ना, मैं चट्टानों में रखूं या चट्टानों पर बिठाऊं? शेर तो ना गलत करो, और वो भी इकबाल का। ठीक है मैं आप ही। चलो ठीक है, मैं रे से पढ़ देता हूँ। प्लीज सर प्लीज। रोशन चेहरा भीगी जुल्फें किसको किस पे तरजीह दूं, रोशन चेहरा भीगी जुल्फें किसको किस पे तरजीह दूं, एक कसीदा धूप का लिखूं एक गजल बरसात के नाम। आहा, नाम नाम मीम। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने देखे हैं पकौड़ों के समोसों के रेट अब। अब तो पीछे से मोहब्बत भी मिलावट वाली आ गई, छोड़ो मोहब्बत को दफा दूर करो। वाह से पढ़ दूं। आती है यार वैसे। वो भी औरों की तरह सिर्फ शनासा ही रहा, मैंने कुछ भी ना कहा दश्त था प्यासा ही रहा, साथ चलते रहे दरिया के किनारों की तरह, दरमियां फासला कहने को जरा सा ही रहा, जरा सा ही रहा। एक रोजा भी जगाता नहीं पीपे वाला, ईदी लेने को चला आएगा करके ढम ढम। ये क्या हुआ? चलो अलग से कोई और सुना देते हैं, सियासी शेर पेश कर देते हैं। इल्जाम दे रही हैं वो एक दूसरे को यूं, हो नून लीग और पीटीआई दरानियां जिठानियां, आपस में वैर इनका है इट रोड़े की तरह, फिर खीरा इक्तदार दिया पी पी ने खानिया। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आज एक बार फिर हमारे साथ है हमारे मुल्क के एक रिवायती सियासतदान जनाब पी क्यू एन साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत है जनाब, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपके रोजे ठीक गुजर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। रख रहे हैं? ये एक सियासी सवाल है। सियासत कहाँ से आ गई? सियासत पे इसका असर तो होता है ना जी, तो लिहाजा मैं पार्टी से मशावरत करके इसका जवाब दूंगा, बल्कि शायद अब मुलाकात जो है वो देर बात हो। मैं पार्टी के साथ मशावरत करके इस सवाल का जवाब जो है वो फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा। आप फेसबुक पे हैं? जी जी, फेसबुक की नहीं, मैं दो तीन और बुक में भी हूँ, बल्कि मुझे तो लोग बुकिया कहना शुरू हो गए थे, इसलिए मैंने एहतियात करना शुरू कर दी। असल में ये सवाल जो है वो इंशाल्लाह उसका जवाब मैं दूंगा, मगर आप बताइए, आप रोजे रख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके सवाल का मेरा ख्याल है जवाब यही है कि आपको सवाल किया जाए, क्योंकि ये रिवाज पुराना हो गया है कि सवाल का जवाब दिया जाए। अब तो कोई सवाल करे तो उसको जवाबी सवाल करते हैं, कोई इल्जाम लगाए तो उसको जवाबी इल्जाम लगाते हैं, उस इल्जाम का जवाब नहीं देते जी। जी बात है, यानी आप ये नहीं बताना चाहते कि आप रोजे रख रहे हैं या नहीं? जी ये भी बताऊंगा, मगर मैं रखवा रहा हूँ रोजे आजकल। अच्छा। तो हाँ जी, अल्लाह के फजल से सहरी इफ्तारी पे बहुत रश होता है मेरे डेरे पे। हाँ जी, 40-50 बंदे रोजाना सहरी रखते हैं, और कोई 100-150 बंदा अफतारी करता है, बल्कि कल तो मैं अफतारी में 2-3 बंदों को मैंने उठाया भी है। क्या मतलब? उम्रें कम थी जी, एक की 16 साल, दो की 17 साल, मैंने कहा तुम्हारा वोट ही नहीं मरा हुआ, अफतारी करने आ गए हो, चलो दौड़ो। सो रोजे रखवा रहा हूँ मैं, वैसे तो मैं नौकरियों पे भी लोगों को रखवा रहा हूँ, दफ्तरों में रखवा रहा हूँ, घरों में नौकरियों पे रखवा रहा हूँ, ड्राइवर बड़े में रखवा रहा हूँ, बहुत काम करता हूँ अल्लाह के फजल से। पर्ची इतनी मेरी चलती है, इतनी पर्ची चलती है कि लोग कहना शुरू हो गए थे कि इसके डेरे पे पर्ची जुआ होता है। होता होगा तो लोग कहते हैं। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। जिस दिन बहिश्ती वालद साहब पर्ची जुए में अपने हलके की टिकट हार गए थे, उसके बाद हमने छोड़ दिया।
ये तो मुखालफीन जो हैं वो ऐसी बातें करते हैं, और हर शख्स का मुखालिफ तो होता ही है कोई ना कोई। जैसे आप फिल्म देखते हैं, हर फिल्म में कोई ना कोई विलन तो होता है, विलन के बगैर फिल्म चलती नहीं है। इसलिए हर शख्स का भी मुखालिफ जरूर कोई ना कोई होता है, वरना ज्यादातर जो मेरे हल्के के लोग हैं मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मुझ पर जान कुर्बान करते हैं, मेरे एक एक लफ्ज पे यकीन रखते हैं और मानते हैं। आप यकीन कीजिए, एक दिन मैं जोशे खताबत में ऐसे ही कह बैठा के चौक दे फटे, लोगों ने उसे सच समझ लिया, स्टेज के फटे उल्टा दिए सारे। मैं इस तरह खिलरा पड़ा हुआ था जैसे दूसरी मंजिल से मोबाइल गिरे तो नहीं खिलर जाता। 10 मिनट तक यकीन कीजिए कि सिग्नल ही गायब हो गए। एरर तो आज तक आता है, कहीं से भी चक दे फटे की आवाज आए तो सारा जिस्म वाइब्रेशन पे लग जाता है। तो ये सारे जो इल्जामात हैं ये मेरे मुखालफीन के लगाए हुए हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा। आप फिक्र ना कीजिए, मैं भी अपने मुखालफीन के खिलाफ एक बहुत जल्द बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ, और प्रेस के सामने सारा इनका कच्चा चट्टा खोल दूंगा। मेरे हथे तो एक ऐसा रजिस्टर भी चढ़ गया है नाजम वीडियो सेंटर का, जहां से ये मेरे मुखालफीन जो हैं ये काबिले इतराज फिल्में किराए पे लेके देखते रहे। ये कौन सी सियासत है पीक्यूएन साहब? सियासत आजकल इसी तरह की हो रही है। आपने मेरे मुखालफीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी? कौन सी? उन्होंने जो मुझ पे इल्जाम लगाए हैं वो कोई लगाने वाले हैं? बेवकूफों ने प्रेस के सामने को 10-12 लव लेटर दिखा दिए कि ये पीक्यूएन जो है ये अपने मोहल्ले में नौकरानियों को लव लेटर लिखता है। आप यकीन करें, ना हैंडराइटिंग मिल रही है, ना मेरा उनको रुकों के साथ वास्ता है। लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं, वो रुके पढ़ रहे हैं, क्योंकि 3-4 शेर उसमें अच्छे लिखे हुए हैं। अच्छा। मगर ये इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मैंने लिखे हुए हैं। लोगों को ये बात तो देखनी चाहिए कि उन रुकों में जिस कदर अच्छी उर्दू लिखी हुई है, इतनी अच्छी उर्दू अगर मेरी होती तो मैं अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता। तो अब क्या है आप? अब तो चेयरमैन हूं। अच्छा पीक्यूएन साहब, ये बताइए आपकी इलेक्शन कैंपेन कैसी जा रही है? जोरों शोर से जारी है जी। और ये अफतारियों की सूरत में आजकल बड़ा मौज मेला लगा हुआ है। अच्छा। बड़ी पीआर बन रही है। अच्छा। हाँ हाँ, अफतारियां जो है वो तो अब बिल्कुल सियासत के लिए इतनी सूदमंद साबित हो रही है कि यकीन कीजिए इतना वोटर बना है मेरा तो। अच्छा। मैंने 5-6 अफतारियां करवाई हैं अपने इलाके में। अच्छा। अहालिया ने हल्का को मैंने अफतारी पे बुलाया। जरा प्रेस वाले बस तेज हो गए हुए। क्या मतलब? मैं चाहता था कि रोजाना मेरी तस्वीर लगती रहे, तो 4-5 तो अफतारियां मैंने सचमुच करवाई, उनकी तस्वीरें दी। एक दिन मैंने नहीं अफतारी करवाई, वो पुरानी ताया जी के कुलों की तस्वीर पड़ी हुई थी। अच्छा। मैंने वो दे दी, मैंने कहा यार ये छाप दो, ये मैंने आज अफतारी करवाई है। तो बस बहस शुरू कर दी आगे से वो मौसूफ साहबी ने कि भाई साहब ये आगे गिटकें पड़ी हुई हैं, ये कौन सी अफतारी है? मैंने कहा भाई अफतारी या खजूरें थी खा ली है उन्होंने, अब गिटकें आगे पड़ी हुई। फिर बहस शुरू, इतनी गिटके खाई है इन्होंने, इतनी गिटके पड़ी, इतनी खजूरें कहां से खा ली? मैंने कहा भाई खाने वाले लोग हैं, कश्मीरी ज्यादा बुलाए हुए थे खा लिए उन्होंने, छाप तो क्यों बहस कर रहे हो? आगे से फिर बहस कर रहे हैं जी, कोई समोसा कोई कचोरी कोई और सालन वगैरह कुछ तो और पड़ा हो। और मैंने कहा भाई जितनी तुम्हें गिटके नजर आ रही है इतनी खजूरें खा के गुंजाइश रह जाती है किसी और चीज की। बहुत बहस करते हैं भाई। वो चूंकि ताया जी के कुलों की तस्वीर थी, मेरा रोना निकला हुआ था, ये स्यापा डाल के मेरे साथ बैठ गए जी अगर ये अफतारी है तो आप रो क्यों रहे हैं? और मैंने कहा भाई साहब लोग जितनी मेरी खजूरें खा गए हैं मैंने रोना ही था और लुटियां डालनी थी। मैंने कहा तुम तस्वीर के नीचे लिख देना के अफतारी करवाते हुए फरते जज्बात में पीक्यूएन के आंसू निकल आए। ऐसा वो कोई अंसार अब्बासी का प्लेठी का शागिर्द था, तस्वीर के नीचे लिख दिया ताए के कुल और अफतारी मिक्स होने की वजह से पीक्यूएन के आंसू निकल आए। नज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।